नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में बसा ओडनथुरई गांव, तमिलनाडु के कोयंबटूर से करीब 40 किलोमीटर दूर। आज ये गांव एक स्मार्ट विलेज की तरह दिखता है। यहां पर शहर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, गांव के लोग भी अपनी जगह पर खुश और संतुष्ट दिखते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। गांव की तस्वीर एकदम अलग थी। यहां बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। पीने का साफ पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, पूरे गांव में कच्चे घर थे। लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे। मैं यहां 20 साल से रह रही हूं। 20 साल पहले हमारे पास कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी। हम एक झोपड़ी में रहा करते थे। ना बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की। हमें पीने का पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता था कि बिजली किसे कहते हैं। अपना राशन लेने के लिए हम 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। इससे हमारा पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन अब गांव की स्थिति एकदम बदल गई है। अब यहां सबके पास पक्के मकान हैं, जिनमें सोलर पैनल लगे हैं। सोलर पैनल घरों को रोशन करने में काम आते हैं। गांव के अधिकतर घर एक जैसे हैं, जिससे गांव और भी आकर्षक लगता है। पानी के लिए अब गांव में बोरवेल लगे हैं। बोरवेल से पानी की एक बड़ी टंकी को भर लिया जाता है, जिससे हर घर तक 24 घंटे पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन इतना सब बदलाव कैसे हुआ? इस बदलाव के पीछे हैं गांव के पूर्व सरपंच आर षणमुगम। 1986 से 1991 तक मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। उस समय गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। गांव के जनजाति के लोग हमारे पास आए और पंचायत से पक्के घरों की मांग की। पंचायत ने प्रस्ताव पास कर उनके लिए घर बनाने का निर्णय किया। मैं 1996 में मुखिया चुना गया। तब गांव के और लोगों ने भी पक्के घरों की मांग की। मैंने पंचायत के फंड से इंतजाम किया और दूसरे लोगों के लिए भी घर बनवाने का प्रस्ताव पास किया। गांव से सारी झोपड़ियों को हटाया गया और उनकी जगह बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाए गए। इससे गांव से पलायन कर गए लोग वापस आने लगे। 20 साल में हमारी जनसंख्या 1600 से 10,000 हो गई है। ये लक्ष्य हमने भ्रष्टाचार मुक्त काम की नीति से हासिल किया। लोग अपने गांव की देखभाल खुद अच्छे से करते हैं और खुश हैं। कुछ साल पहले तक यह इलाका केले का बाग हुआ करता था, लेकिन अब इस इलाके में सारी सुख सुविधाएं हैं। यहां एक स्कूल भी है। हालांकि ये देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ शहर की तरह विकास हुआ है। यहाँ आसपास कोई और ऐसा इलाका नहीं है। गांव में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है। बड़े बच्चे पास के सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ 2 टीचर हैं। ये विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। मैं पुलिस में हूँ। हमारे गांव के चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। हम यहां शांति और खुशहाली से रहते हैं। हम अपने इलाके की साफ सफाई खुद भी कर लेते हैं। गांव में सफाई कर्मी भी नियमित तौर पर आते हैं, लेकिन गांव वाले खुद भी अपने गांव को साफ रखने की कोशिश करते हैं। 1996 में जब मैं गांव का प्रधान बना, तो मैंने केंद्र सरकार की एक योजना से पीने के पानी की व्यवस्था की। इस योजना में पंचायत को योजना का 10% पैसा देना था और बाकी खर्च केंद्र सरकार करने वाली थी। हमने एक मीटिंग बुलाई और 48 लाख रुपए की एक परियोजना बनाई। हमने गांव से 4.8 लाख रुपए इकट्ठा कर केंद्र सरकार को सौंप दिए। हमारे गांव को इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया और गांव में पानी की सुविधा हो गई। बिजली के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्पों को तलाशा। हमें पवन चक्की का विकल्प सबसे सही लगा।
इसकी कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपए थी। हमने पंचायत में टैक्स और दूसरे तरीके से इकट्ठा हुए 40 लाख रुपए जमा करवाए और बाकी पैसे का बैंक लोन करवाया। 2006 में हमने पवन चक्की लगाई, इससे 7 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। अब हम हर साल 20 लाख रुपए की बिजली तमिलनाडु सरकार को बेचते हैं। षणमुगम के प्रयासों से कभी बिजली के बिना चलने वाला गांव अब सरकार को बिजली बेच रहा है। षणमुगम को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पुरस्कार दिए। उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में अपने मॉडल पर भाषण दिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष समेत 43 देशों के लोग ओडनथुरई आकर यहां के विकास को देख चुके हैं। षणमुगम अब गांव के मुखिया नहीं है, लेकिन वो अपने काम को बड़े गर्व से दिखाते हैं। उनकी इच्छा शक्ति की वजह से झोपड़ियों वाला गांव अब विकास की राह पर चल रहा है। वो बिजली भी बना रहा है और अपना भविष्य भी। षणमुगम कहते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।